गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। शुरुआत हो चुकी है बारिश से। बारिश डेली डेली सुबह शाम बारिश ही बारिश। बारिश की वजह से कहीं जाना नहीं हो रहा। सो बच्चों की भी ट्यूशन की छुट्टी हो गई आज भी, और स्कूल की भी। स्कूल तो लव इसके तो पेपर चल रहे हैं। जस्सी का गई थी तो देखिए इधर जस्सी का अपने होमवर्क में। बोलो जस्सी का। सो वो बिजी है। मतलब ट्यूशन से पहले तो बारिश मतलब ऐसी झरना सा पड़ रहा था, और अभी इतनी तेज बारिश हो गई। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आ जाओ, मैं दिखाता हूँ आपका कैसे मौसम हो रहा है। तो चलिए, तो बारिश की वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। कपड़े धो धो के मतलब आपको दिखाऊंगी ना, ढेर लगा पड़ा ऊपर। इतने ग्रिल पूरी सुखाने की जगह ही नहीं है, बस पंखा चला चला के सुखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, है ना लविस, चलते हैं। सो आज भी मैंने कपड़े वॉश किए थे बारिश में ही, क्योंकि मेरी मशीन ऊपर ही है ना, तो बाहर रख के धोने पड़ते हैं। तो मतलब हल्की हल्की आ रही थी, मैंने कहा धो लेती हूँ। सो धुल गए, अब तेज हो गई। सो चलिए अभी चलते हैं ऊपर, आपको ले चलते हैं। गाइस अभी दीदी ये रही, क्या कर रहे हम दीदी? ये कितने का पहना है? हाँ कितनी सारी इंटी खत्म हो गई। गाइस मेरे पास भी ऐसा एक पेन था, ऐसी बिल्कुल है अब भी, लेकिन उसकी इंक इतनी भरी हुई है बहुत ज्यादा। और ये रही हमारी उदासी दीदी, उदास हो रही है। सो देखिए बारिश कितनी तेज है, बहुत तेज है। देखिए देखिए बारिश 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 की बारिश। गली में छतरी हमें जैसी कलर की। तो चलिए अंदर ही चलते हैं, बारिश बहुत तेज है। दीदी का कैसा रिएक्शन है? चलो आओ चलो गाइस ऊपर चलते हैं। अभी किचन की लाइट बंद करके ये कर देते हैं। और गाइस अब दीदी नीचे बैठेंगी और अब हम ऊपर जाएंगे। अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये है मामा का सेटअप जो कुछ दिनों में चेंज होने वाला है। ये रहा नंबर वन बलून केक। अब इसे वहीं रख देते हैं, इसे प्राइस मिलना चाहिए नंबर वन सेट बनने का। अभी गाइस मैं इसे चिपका भी दूंगा, देखते हैं चिपकता है या फिर नहीं। अबे यार अबे भाई 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 चिपका दिया। कैसा लगा? क्या सारे थोड़े गंदे कर दिए तुमने? ओ अब ये कौन साफ करेगा? तो गाइस अभी बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज हो चुकी है बारिश, जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे। और अब मंदी हो गई, आवाज से आप पता ही लगा लोगे। देखो पूरा भीग गया। कॉलिन लियो, कॉलिन लियो, अभी जाता हूँ कवर डाल दूंगी ना। ठीक है जैक रूम बन के जा रहा हूँ, तेज आ रही है। तो चलिए देखिए मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ, इधर मैंने बेड शीट वगैरह लगाई है। सो गद्दे के कवर धोए थे सो वो लगाए हैं। सो मैं अलमारी भी साफ करूँगी, अभी बाद में करूँगी, मतलब देखना उसमें क्या क्या है। इधर देखते हैं लविस भी है यहाँ, ये देखो। सो लविस को देखो, ये क्या हो रहा है लविस? क्यों इसके ऊपर क्या है? गाड़ी चल रही है ना, चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्या चल रहा है? मॉन्सर तो बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा तो ये मेरे सेटअप पे ये 1K कब होगा, जल्दी कराओ के, ठीक है। और बाकी देखिए इधर मैंने कपड़े सब लगाए हुए हैं, अभी ऊपर भी जाती हूँ। फैन ऑन है। सो चलिए देखते हैं अभी मैं। मांगेंगे सरिंगन।
सो चलिए देखिए, बारिश का कोई भी मूड नहीं है कि ये बंद हो जाए। बिल्कुल इसने तो ठान लिया है बारिश की पड़ेगी और बारिश की वजह से कहीं कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। सो देखिए किचन में फिर से ऐसे ही फैल गया। सो ये तो मैं कर दूंगी क्योंकि अभी मतलब क्लीनिंग तो हो गई ना, वैसे समेटना है, डेकोरेट करना, वो तो आपको दिवाली पे ही मिलेगा। सो चलिए बाकी अब मैं अपने कपड़े देख लेती हूँ कौन कौन से सूख गए हैं, उन्हें आयरन करके रखती हूँ और आज जो वॉश किए हैं उन्हें सुखा देती हूँ मतलब सही से पंखे के नीचे। सो चलिए अभी देखते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस अभी देखते हैं मामा क्या कर रही है। चलते हैं, ये रहा पास्ता। मम्मा आज पास्ता बना रही हैं। पास्ता तो बना रही हूँ, मैगी मसाला नहीं मिल रहा। मैगी मसाला इसमें रख दिया मैंने, सफाई के दौरान सब रख नहीं होंगे। जब ये है तो ये बना दूँ क्या? ना इन्हें भी डाल दो, ये तो मसाले वाला फिर मैं खा नहीं पाऊंगा। इन्हें मसाले वाले में ज्यादा मिर्ची लगेगी पता है। हाँ और फिर तू कहेगा मिर्ची लगेगी होना तो चाहिए। मसाले हो गए, अब बनेगा क्रीम वाला। क्रीम है नहीं, व्हाइट वाली नहीं है, खाली रेड वाली। तो रेड वाली करो। सो देखिए मैं बना रही हूँ पास्ता इधर। सो मैं मैगी वाला पास्ता बनाने की सोच रही थी लेकिन मैगी मसाला ही नहीं मिल रहा। सफाई करिए, पता नहीं कहाँ रख दिया, पता ही नहीं चल रहा है ना। दराज में देखो, वैसे मैंने रखा तो था, सफाई करी, फेंका तो है नहीं क्योंकि तीन ही पाउच फेंक थे वो। खुले तो मैं जैसे खुले हुए रहते हैं ना तो वो तो मैं फेंक देती हूँ, ये गंदा है। सो इधर जस्सिका ने पास्ता उबाल दिया जो चुपके चुपके खाए जा रहे हैं, है नहीं। तो चलिए बारिश के दौरान हम पास्ता बना दें, ले आओ जल्दी से। बाकी ये पिज्जा वाली सॉस है तो थोड़ी सी ये डाल दूंगी, ये कैचअप डाल दूंगी, अगर नहीं मिलती तो इनसे भी जुगाड़ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है वही चीज चाहिए, ऐसे कुछ अलग भी बनाना चाहिए। तो प्याज भी खत्म है इसलिए खाली शिमला मिर्च से बन रहा है। तो चलिए मैं बना ले आज पास्ता, वो भी रेड सॉस का। देसी जुगाड़ से रेड सॉस पास्ता सॉस सबसे बन रहा है, बस रेड व्हाइट वाली सॉस नहीं है, बाकी सब कुछ है। मिर्ची डाल दो इसमें। हाँ मिर्ची डालूं? हाँ हो जाएगा। हाँ भर के वो भी भर के नहीं, थोड़ी सी चेक कर लो। तुझसे पूछा, तुझसे बोला ना ना नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी मिर्ची डाल दो, मुझे भी दिखाना। थोड़ी सी हटाना। मैंने मिर्ची बनाई थी, वो मैगी बनाई थी और मैंने उसमें बहुत सारी मिर्ची भर ली। मेरी आंखों से पानी आ रहा था, इतनी मिर्ची भर ली मैंने मैगी। गुड। हाँ अभी मैं तुझे कह रहा था कि लेगा मैगी ताकि तेरे मुंह में लग जाए। अच्छा मतलब खुद तो करो, लेकिन किसी ने ली नहीं, मुझे ही खानी पड़ी रो रो के। ऐसे क्या है ये? ढोलची तो बड़े टसन में ले गए थे। हटो, बारिश ने रुक दी। हैं बारिश ऐसे लेके गए आज ही, अभी पाठा लेके आएंगे। जैसे दूध मिलेगा ही नहीं हमारे यहाँ, दूधों का अकाल है ना। गाइस मैं दिखाता हूँ, अभी भी आ रही है बारिश, पूरा पानी भर गया, अभी भी बारिश बरकरार, मौसम बिल्कुल खराब है। वेदर पोस्ट कास्ट मतलब सब कुछ बेकार, बारिश आ रही है मेरा। सो देखिए हमारा पास्ता तैयार है सिंपल जुगाड़ से। सो ये मैंने रेड ये केचप से और पास्ता पिज्जा से बनाया है बिना प्याज शिमला मिर्च के। सो दे देती हूँ मैं लविश को, तो लविश खाओ। उधर जस्सिका ने अपना ले लिया चुपके से पीछे से, तो देखिए चुपके से खा लिया जस्सिका, इधर लविश। सो चलिए खाने देते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बहुत हाँ। इसलिए बनाया क्योंकि लविश के मुंह में छाला भी हो गया ना, तो मिर्ची भी नहीं लगेगी, ठीक है ना लविश? हाँ। मीठा मीठा। क्या बोल रहे हो लविश? दवाई खाया नहीं?
अभी नहीं, अभी चार घंटे हो चुके हैं। सो गाइस देखिए हम देख रहे हैं कौन सी मूवी, काफी बोलो जस्सी का बोलेगी इस मूवी के बारे में क्योंकि जस्सी का बिल्कुल फोकस करके देख रही है इस मूवी। सो गाइस ये मूवी बिल्कुल थर्सडे बहुत अच्छी मूवी है, साइकोपैथ जैसी अच्छी लगी। साइकोपैथ है मतलब वो होती है ना होस्टेजेस बना लेती है दोस्तों को। गाइस बहुत अच्छी मूवी है बहुत ही ज्यादा। और ये वो अपनी दवाइयों में लगा हुआ है लविस, बीमार इंसान हमें देखो हमारा हाथ कितना सा है, छाले हो गए हैं लविस के। यो फ्रंट पे करो। ओ बढ़िया सीन, किसका बर्थडे बनना है अभी? मुझे नहीं पता, तुम एक और बच्चा मरेगा, एक और मरेगा, खत्म। सो हे गाइस, सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वैसे आज के व्लॉग में कुछ ज्यादा खास नहीं था क्योंकि इसलिए नहीं था क्योंकि बारिश डेली ही बारिश बारिश बारिश, ये है ब्लॉग डेली बारिश का ब्लॉग #बारिश। हाँ क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसलिए बाहर के ब्लॉग नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम रोज जाएं 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 लेकिन हम बारिश हमें जाने ही नहीं दे रही। सो गाइस यही था, जब तक बारिश चलेगी तो हम भी घर में रहेंगे, घर के ही बनाएंगे, आप घर के ही देखिए। सो देखिए टाइम कितना हुआ है, टाइम देखो 11 बज गए हैं, 12 भी बज जाएंगे, हाँ 11 बज गए हैं। सो चलिए अब मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये जिसे फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, अभी अभी लिया है, जब से ले रखा है, जब से ले रखा है, जब से तो मिलते कल।